क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। वसई में भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र सरकार की कामगार विरोधी नीतियों के खिलाफ निकाला मोर्चा। वसई पश्चिम के अंबानी रोड स्थित औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय सह संचालक वसई विभाग कार्यालय के सामने भारतीय मजदूर संघ द्वारा सरकार की कामगार नीतियों के विरोध में मोर्चा निकाला गया। यह मोर्चा संघ के सचिव चंद्रकांत नेवे व उपाध्यक्ष बलवीर वैद्य के नेतृत्व में किया गया, जिसमें 20 से 25 मजदूर शामिल हुए। वहीं संघ के सचिव चंद्रकांत नेवे ने मोर्चे के मुद्दे मीडिया के समक्ष रखे। प्रॉब्लम ऐसे है, जब से ये कोरोना आया है, ये कोरोना की वजह से जो कामगार है, कामगार शुरू में एक आध महीना यहाँ रहे, बाद में वो अपने अपने गाँव चले गए। तो गाँव चले जाने के लिए जो दिक्कतें हुई है और वो दिक्कतों का सामना उनको जो करना पड़ा है, उनके लिए ना सरकार ने कुछ किया है ना मालिक ने कुछ किया है। ये बहुत उनको तकलीफ हुई है, इसके लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। और जैसा कि सरकार जाहिर कर रही है हम इनको मदद कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे। सरकार ने बोला कि मार्च अप्रैल मई का उनका पगार आपको देना है, और वो जो कोरोना एक्ट है, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसके अगेंस्ट वो आपको पगार देना है। लेकिन बहुत से मालिकों ने लोगों को पगार नहीं दिया है, और पगार नहीं दिया करके लोगों के पास पैसा नहीं था, वो बेचारे भाग गए। इसलिए हमने सरकार के साथ बात की, और वो सरकार के साथ बात करने के बाद उनको बोला कि तुम उनको राहत दे दो। पहली बात तो ऐसी है, वो कामगार कायदा जो है, विस्थापित कामगार कायदा जो है 1979 का, वो सरकार अभी तक 40 साल हुए कोई करते नहीं है। भारतीय मजदूर संघ का कहना ऐसा है, वो विस्थापित कामगार कायदा जो है उसका पालन करो, उसमें संशोधन करो। जो कामगार यहाँ आते हैं उनके वजह से तो इंडस्ट्री चलती है। अभी वो कामगार सब जो वापस गए हैं, बहुत से काम मालिकों को भी तकलीफ हो रही है, कारखाने चालू नहीं हो रहे। हम लोग बोल रहे हैं कि वापस आप कारखाने चालू करो, जो लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनको पगार दे दो, कामगार छुट्टी बंद करो, लॉकडाउन का पगार जो है वो आपको देना है। ये सब हमारी मांगे। दूसरी बात ऐसी है, सरकार अभी सोच रही है कि मल्टीनेशनल्स आ रहे हैं, जो विदेशी कंपनियां अभी आ रही है, तो उनके लिए उन्होंने कामगार कायदे 4 साल तक सस्पेंड कर दिए। हमने ऐसा बोला है कि हम ऐसे नहीं कर सकते, मतलब वो सस्पेंड करने के वजह ऐसी है कि तुम यूनियन नहीं बांध सकते, पगार नहीं दिया तो कोर्ट में ही नहीं जा सकते। जैसे हमारे महामंत्री बृजेश जी उपाध्याय, उन्होंने बोला आप मारोगे भी और रोने भी नहीं देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। और जो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन्होंने ये सब कामगार कायदे है 4 साल तक सस्पेंड कर दिए। हम बोला कि आप ऐसे नहीं कर सकते, आपने कामगार कायदा का उल्लंघन किया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो नियम है, वो नियम भी ये सरकार बांध के रखती है। इसके बारे में हमारे महामंत्री जी है बरखा दत्त को एक अच्छी मुलाकात दी है, आपने जो सुना तो उसमें आपको सबको मालूम पड़ेगा। 3-4 बातों के लिए हम लोग सरकार के साथ झगड़ रहे हैं। तो वहीं संघ के उपाध्यक्ष बलवीर वैद्य ने मजदूरों को लेकर सरकार की कुनीतियों की निंदा की। मैं बलवीर वैद्य, मुंबई भारतीय मजदूर संघ उपाध्यक्ष हूँ मैं पालघर जिला का। और आज हमने जो धरना प्रदर्शन किया वसई में, वो इस बात को लेकर के किया कि जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की नीतियां हैं, वो मजदूरों के हित में नहीं है। मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आज हमने वहां पे धरना प्रदर्शन किया। और हमारा कहना ये है कि जो मजदूर भाई हैं, उनका जो है, आप जानते हैं कि सरकारी दफ्तरों में या परमानेंट जॉब पर जो है 10% लोग काम करते हैं, बाकी 90% लोग जो है वो तो असंगठित कामगार हैं। और असंगठित कामगारों के लिए सरकार कोई कुछ नहीं सोच रही है, सिर्फ कागज़ों पर जो है योजनाएं बताती है और उनके लिए बड़े बड़े पैकेज बताती है, लेकिन मजदूर तक पहुंच नहीं रहा है। ये हमारा दुख है। और प्रमुख बात ये है कि अब जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात इत्यादि भारत के अनेक राज्यों में जो ये श्रमिक विरोधी कानून को लाया जा रहा है, इन्होंने 3 साल के लिए इस पर जो है, श्रमिक कानून पर जो है रोक लगा दी है, वो सरासर गलत है। क्योंकि ये रोक लगा दी है, इसमें ऐसा हुआ कि मारेंगे भी और आपको रोने भी नहीं देंगे।
मतलब मजदूर विरोधी जो कानून बनाए हैं उसमें वो आपको जो है कितने भी घंटे काम करा सकते हैं, जब चाहे तब निकाल सकते हैं, और आप कोई आवाज़ नहीं उठा सकते, आप कोर्ट में नहीं जा सकते, आप उसके बारे में कोई अपील नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास एकमात्र रास्ता यही है कि हम अब रास्ते पर आ जाएं और इसके लिए धरना प्रदर्शन करें और मजदूरों की आवाज़ बनकर के उभरें। वसई से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज़ की एक रिपोर्ट।